प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था केंद्र सरकार के बारे में, यानी कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तीन पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और उससे पहले हमने चर्चा की थी कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कल हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में और आज भी हम लोकसभा के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हमने लोकसभा के सदस्यों की संख्या पढ़ी थी, सदस्यों की संख्या। तो कल हमने पढ़ा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है और वर्तमान में 545 है, जिसको बारे में हमने बताया था कि 530 राज्यों से 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्यों को लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह से वर्तमान 545 सदस्य संख्या है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, यानी कि लोकसभा के सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का अर्थ हो गया वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि भारत के वे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिनका नाम मतदाता सूची में हो, वो लोग लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव करते हैं। अगला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमने पढ़ा लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या, दूसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति। आगे हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में, सदस्य में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में या सदस्य में पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक है, नागरिक होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत के अंदर लोकसभा का सदस्य वो ही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वो है वह का मतलब हो गया लोकसभा का सदस्य, वह कम से कम का अर्थ हो गया न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु हो, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं उसकी का अर्थ भी वही होता है लोकसभा का सदस्य, उसकी न्यूनतम आयु यानी कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष हो, अर्थात इससे कम उम्र का व्यक्ति भारत में लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे
कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष से अगर कम उम्र है तो वो लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हो सकता, लोकसभा का इलेक्शन यानी चुनाव नहीं लड़ सकता। अधिकतम चाहे कितनी भी हो, चाहे का मतलब चाहे वो 35 वर्ष का हो, 45 वर्ष का हो, 48 वर्ष का हो, 52 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो या इससे अधिक हो, लेकिन न्यूनतम योग्यता यही निर्धारित की गई है। तीसरी है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनते समय वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि वह सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, तो उसको चुनाव लड़ने से पूर्व यानी पहले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और चौथा है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वह किसी न्यायालय द्वारा, किसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा वो व्यक्ति पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो। पागल आप सब जानते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पागल चुनाव लड़ेगा तो वो क्या शासन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर यानी पागल व्यक्तियों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं बनेगा। दिवालिया, दिवालिया का अर्थ होता है कि उसके ऊपर बैंक का कर्जा नहीं हो। बैंक के कर्जे का मतलब होता है कि कई सालों से उसने बैंक से कर्जा ले रखा हो और बैंक के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के अंदर पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो आपको जब भी कभी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आपको चार योग्यताएं लिखनी है। पहली योग्यता लिखनी है आपको वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता आपको लिखनी है उसकी न्यूनतम आयु, उसकी कम से कम आयु उम्र 25 वर्ष हो, यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और चौथी योग्यता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये चार योग्यताएं आपको याद रखनी है और जब कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपको लिखनी है। अगला है लोकसभा का कार्यकाल, प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष बाद में दूसरी या उससे नेक्स्ट वाली लोकसभा का गठन किया जाएगा तो मतदान होगा, चुनाव होगा, और उस चुनाव में जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा, क्योंकि भारत के अंदर बहुमत की सरकार होती है। अगर किसी दल के पास बहुमत नहीं है तो वो हमारे देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर सरकार नहीं बना सकता। तो
लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने या इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श से, परामर्श का हो गया सलाह, परामर्श का क्या हो गया सलाह, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को, लोकसभा को समय से पूर्व भी, समय से पूर्व यानी पहले, पूर्व कर देते हैं पहले, पूर्व भी या पहले भी भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श से या सलाह से भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अर्थात यहाँ ध्यान रखना हमें कि लोकसभा भंग हो सकती है, यानी कि लोकसभा है उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पूर्व भी यानी कि 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। इसीलिए इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अधिवेशन, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे अधिवेशन। अधिवेशन, प्यारे विद्यार्थियों, अधिवेशन का अर्थ होता है बैठक, बैठक यानी कि लोकसभा की बैठक, लोकसभा का अधिवेशन, इसको सत्र भी कहा जाता है, लोकसभा का सत्र, सत्र का अर्थ हो गया बैठक, यानी कि सत्र और बैठक का मतलब हो गया अधिवेशन, उसको पॉलिटिकल की भाषा में अधिवेशन कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा की वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य हैं, वर्ष की यानी एक वर्ष की 2 बैठकें होती है, 1 वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य है, कंपल्सरी है, और जब नहीं होती है तो राष्ट्रपति आहूत करता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाता है, ये उसके पास पावर होता है। तो 1 वर्ष में लोकसभा की 2 बैठकें अनिवार्य हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्यादा होती हैं, लेकिन 2 तो अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं। और 1 बैठक के अंदर, 1 बैठक से 2 बैठक, 1 अधिवेशन से 2 अधिवेशन के अंदर 6 माह से ज्यादा अंतराल का अर्थ होता है गैप, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा जनरल नॉलेज के अंदर कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा कि लोकसभा का जो अधिवेशन होता है वो साल में दो अनिवार्य हैं, दो कंपलसरी हैं, और दो के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, वो बैठ के जरूरी है। तो एक प्रधानमंत्री ऐसा भी रहा है भारत के अंदर जिसने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लोकसभा का सामना नहीं किया। इसका अर्थ हो गया कि उसके शासन कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा नहीं चली, एक बार भी लोकसभा की बैठक नहीं हुई, एक बार भी लोकसभा का अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चौधरी चरण सिंह भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया, यानी कि उसके शासनकाल में एक बार भी लोकसभा की बैठक नहीं हुई। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उसका कार्यकाल मात्र 4 माह का रहा था, यानी 4 महीने वो प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद में उसकी सरकार गिर गई, अल्पमत में आ गई और उस सरकार को पद से हटना पड़ा, अर्थात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कह करके लोकसभा को भंग करवा दिया गया। ये बातें हैं 1979 और 80 के लगभग की। तो 80 के अंदर दोबारा से भारत के अंदर मध्यावधि चुनाव हुए थे। मध्यावधि चुनाव का अर्थ क्या होता है? मध्यावधि का अर्थ होता है कि भाई सरकार लोकसभा होती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ था चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में, उसने 4 माह पद पर रहते हुए और लोकसभा को भंग करवा दिया राष्ट्रपति से कहकर, और इस वजह से उसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। आगे देखें विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा 5वां पॉइंट, अधिवेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट है लोकसभा के पदाधिकारी। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के अंदर दो पदाधिकारी होते हैं, एक को लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसको बोलते हैं स्पीकर, और दूसरा जो पदाधिकारी होता है वो होता है लोकसभा उपाध्यक्ष, ये होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के अंदर दो पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, उनका निर्वाचन, उनका चुनाव कैसे होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने ये पढ़ लिया है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, यह आप सबने पढ़ा था। ये 545 वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है। इन 545 में से अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं ये? लोकसभा के। तो इनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, और इनका चुनाव भी
ये ही करते हैं, यही का मतलब लोकसभा के सदस्य। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, या ये कहें लोकसभा में से ही इनका निर्वाचन होता है, यानी इनका चुनाव जनता नहीं करती है, इनका चुनाव जनता नहीं करती है, अर्थात लोकसभा के सदस्य ही अपने में से, यानी कि इन 545 में से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष। और ये भी जान ले कि भाई ये उपाध्यक्ष क्यों निर्वाचित होता है, उपाध्यक्ष क्यों चुना जाता है, जब लोकसभा की बैठक हो रही हो, लोकसभा का अधिवेशन हो रहा हो, उस समय अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, कहीं पर बाहर गया हुआ है, बाहर का मतलब विदेश वगैरह, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वो लोकसभा की बैठक में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। कहने का मतलब है कि अपनी भाषा के अंदर हम समझ सकते हैं कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दो पोस्ट होती हैं। जिस दिन विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सर नहीं आते हैं, उस दिन प्रिंसिपल की पोस्ट को कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल। तो यही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित है, उसकी जगह पर लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यानी कि अध्यक्ष के पद को संभालेगा। आगे देखें, प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, उपाध्यक्ष के अलग कार्य नहीं होते, जो कार्य अध्यक्ष करता है वही कार्य उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष कब करेगा, जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा, किसका कार्य करेगा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के अंदर जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता करता है। पहला काम हो गया लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा कार्य हो गया लोकसभा की बैठकों की कार्यवाही एवं संचालन करना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि लोकसभा की बैठकों की कार्यवाही एवं संचालन करता है। आगे है तीसरा पॉइंट, अध्यक्ष यह निर्णय करता है, यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जाम से पूछा जाता है। यह कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, या ये कहें लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां। चौथा है संसद और राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा यानी समस्त समस्त पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, संसद और राष्ट्रपति दोनों संसद के अंग हैं, और इन दोनों के बीच में कोई भी पत्र व्यवहार, यानी कहने का अर्थ है कि संसद की बात राष्ट्रपति तक पहुंचाना और राष्ट्रपति की बातें संसद तक पहुंचाना, उसको बोलेंगे हम पत्र व्यवहार। उसके द्वारा ही, उसके का अर्थ हो गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। तो ये समस्त कार्य लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। इसको अब हम शॉर्ट रूप से और पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले पढ़ा हमने सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। अरे विद्यार्थियों, सदस्य संख्या में हमने अधिकतम 552 पढ़ा, यानी कि जब शुरुआत हमने की थी तो यहीं से की थी कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो अधिकतम है 552। प्रश्न पहला आएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको आंसर देना है 552। वर्तमान पूछे, वर्तमान का हो गया कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है 545। इसी में तीसरा क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। तो यह आएगा दो सदस्य, कितने सदस्य? दो सदस्य। तो पहला बिंदु हमने ये पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था निर्वाचन। निर्वाचन में हमने पढ़ा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का अर्थ होता है कि जनता द्वारा इनका चुनाव होता है व्यस्त मताधिकार के आधार पर। तो हम लिखेंगे, इसका उत्तर देंगे, तो हम लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट बिंदु पढ़ा था वो था सदस्यों की योग्यताएं। तो हमने पढ़ी कि लोकसभा के सदस्यों की चार योग्यताएं होती हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और तीसरा वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, इनकी सरकारी सेवा में नहीं हो, और चौथा और अंतिम जो योग्यता हमने पढ़ी लोकसभा के सदस्यों की वो पढ़ी वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। उसके बाद दो बिंदु हो चुके हैं, पहला सदस्य संख्या, दूसरा निर्वाचन। उसके बाद हमने पढ़ा लोकसभा के पदाधिकारी, तीसरा चौथा कार्यकाल। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।
थैंक यू, धन्यवाद।